बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को धमकी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीएम केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिली है। सीएम को सरकारी लैंडलाइन फोन पर यह धमकी मिली है। सुबह 10:45 पर घर के नंबर पर कॉल आया, विकासपुरी से ये धमकी भरा कॉल आया था। स्पेशल सेल ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी गई है और सरकारी लैंडलाइन नंबर पर यह धमकी दी गई है। सुबह 10:45 पर घर के फोन पर ये कॉल आया था, धमकी भरा कॉल आया था और विकासपुरी से कॉल आया था, ये खबर आ रही है। और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर इस कॉल के पीछे वो कौन है जिसने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी गई है और ये धमकी सरकारी लैंडलाइन फोन पर मिली है। सुबह 10:45 पर घर के नंबर पर ये कॉल आया और ऐसा माना जा रहा है कि विकासपुरी से ये कॉल आया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है स्पेशल सेल की टीम। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा। दिवांशु, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए मोनिका, आपको बता दूं कि सुबह 10:45 के आसपास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो ऑफिशियल लैंडलाइन है उस पर विकासपुरी से कॉल आता है और उसमें सीधा तौर पर मुख्यमंत्री को ये कहा जाता है कि उनकी जान को जो है वो खतरा है और साथ ही ये भी कहा जाता है कि उनको जल्द से जल्द उनको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये तमाम बातें जो है उस लैंडलाइन में कही गई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है लगातार नंबर को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है और जल्द से जल्द जिसने कॉल की है उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। साथ ही आपको बता दूं कि इससे पहले भी करीब एक हफ्ते पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री की ऑफिशियल आईडी पे उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर एक बार फिर से मुख्यमंत्री का जो ऑफिशियल लैंडलाइन होता है उस पर कॉल आती है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी जाती है। मोनिका, दिवांशु, यहाँ पर दिल्ली की सीएम ही सेफ नजर नहीं आ रहे, तो जनता का क्या हाल होगा? बिल्कुल, जिस तरीके से ये धमकी भरा कॉल आया है इसके बाद से ही लगातार जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनकी सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री को ही इस तरीके से लोग धमकी देंगे तो आमतौर पर जो आम लोग हैं वो किस तरीके से सुरक्षित रहेंगे। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है और स्पेशल सेल की जो टीम है उसका भी गठन कर दिया गया है। पुलिस को इस बात की उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उस तक पहुंचा जाएगा। फिलहाल जो स्पेशल टीम का गठन किया गया है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है, क्या कुछ अभी सामने आ रहा है जांच में? देखिए फिलहाल जो है जिस नंबर से कॉल आया है उस नंबर को पुलिस को मुहैया करा दिया गया है मुख्यमंत्री आवास की तरफ से और साथ ही पुलिस ये भी लगातार अब कोशिश कर रही है कि कहां से ये नंबर आया है, उस इलाके को भी ट्रेस किया जा रहा है और जल्द से जल्द पुलिस को उम्मीद है कि पहले जिस नाम से वो नंबर होगा उसको पकड़ा जाएगा, उसके बाद जो जिस शख्स ने कॉल की है उस तक भी पहुंचा जा सकेगा। जी मोनिका, क्या सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस वक्त आ रही है इस बात को लेकर? देखिए अभी फिलहाल पार्टी या फिर सरकार इस पर कुछ भी कहने से बच रही है। सबसे पहले जब 10:45 पर कॉल आया उसके बाद सीधा जो मुख्यमंत्री आवास है, जो मुख्यमंत्री का जो दफ्तर है उससे पहले सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और उसके बाद पुलिस का गठन किया गया। बाद में करीब 3-4 घंटे बाद ये खबर खुली कि इस तरीके का जो कॉल है वो मुख्यमंत्री के ऑफिशियल लैंडलाइन पे आता है, लेकिन बहरहाल जांच जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाएगा और जब उसको हिरासत में लिया जाएगा उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि वो शख्स कौन है और आखिर उसने मुख्यमंत्री को इस तरीके से धमकी क्यों दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दिवांशु।